जी। आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, देवियों सज्जनों, देखिए बदलाव, बदलाव जो है वो एक सोच है और सोच हमारी जरूरतों से आती है। आमतौर पर हमारी जरूरतें बहुत ही बेसिक लेवल यानी कि सामान्य स्तर की होती हैं, जैसे कि पानी, बिजली, सड़कें, स्कूल की सुविधाएं इत्यादि इत्यादि। लेकिन कई बार इन समस्याओं का समाधान बहुत ही कठिन मालूम पड़ता है। जब मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो हर समस्या का समाधान संभव हो जाता है। ऐसी ही दो सशक्त महिलाएं आज इस मंच पर आ रही हैं, छवि राजावत और नीरू यादव उनका नाम। इन दोनों को अपने जीवन में एक मौका मिला कि वो अपने क्षेत्र में बदलाव की एक नई शुरुआत कर सके। छवि राजावत को अपनी जन्मभूमि में सुविधाओं का अभाव देखना गवारा ना हुआ, इसलिए ये अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर वापस अपने गांव सोडा आ गई और जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस मिट्टी में वो पली बड़ी थी, उसी मिट्टी के 10 वर्षों तक वो सरपंच बनी रही। और देवियों सज्जनों, हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं उनका नाम है नीरू यादव। इनका मानना है कि एक गृहिणी न केवल घर सुचारू रूप से चलाने में निपुण होती है बल्कि दूसरे दायित्वों में भी वो माहिर होती है। और इसीलिए जब नीरू यादव जी को ये अवसर मिला कि वो एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3-3 गांवों की सरपंच बने, तो उन्होंने इसे अपने पारिवारिक दायित्व की तरह समझकर इन गांवों में खुशहाली पैदा कर दी। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि स्वागत किया जाए छवि राजावत और सरपंच नीरू यादव जी का। मैं बड़ी फरी हूँ ये सोचते हुए कि गांव मेरा परिवार है, मैं गांव की बेटी हूँ। अगर मैं गांव की बेटी होते हुए मेरे गांव के लिए, विकास के लिए कुछ नहीं करूंगी तो मैं कैसे अपेक्षा रख सकती हूँ कि बाहर से कोई आएगा। बारिश आती है ना तो हमारा गांव और हमारा दिल ऐसा हो जाता है कि भगवान आ गए हमारी। जो छवि राजावत जी जब से सरपंच बने हैं तो उसमें गाँव में एक तरह से शिक्षा की जागृति बहुत तेजी से आई है। मगर गांव का मैं मकान अकान रे बढ़िया बनवाया, सब काम बढ़िया करवाया। मैं तो यही चाहूंगा भाई, हर पंचायत में और हर गांव में, हर तहसील में सरपंच बने तो ऐसी बने हमारी छवि भाई साहब जैसी। एक होम मेकर जो गृहिणी है घर संभालती है, वो साथ साथ में पंचायत को भी संभाल सकती है। सबसे मुश्किल काम तो यही था एक बहू के लिए जिसको सिर्फ 7 साल हुए हैं शादी करके और इस गांव में आए हुए, और वो जब सरपंच का चुनाव लड़ती है और सरपंच बनती है तो पुरुष प्रधान समाज के अंदर वो किस प्रकार से अपने नेतृत्व को डिफाइन कर पाएगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज उसके सामने था। हमारे सर पर से इन्होंने मटका उतरवाया है, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी हमें पानी भरने में, हमारे घर घर नलके लगवा दिए हैं। सरपंच जी ने बहुत अच्छा काम किया है, 17 साल की नौकरी में भी मैंने ऐसा डिसिप्लिन सरपंच पुरुष भी नहीं देखा। जहाँ तक मेरा अनुभव है पंचायती राज का, जहाँ सी की लक्ष्मीबाई है पंचायती राज के लिए, तो स्वागत आपका, बहुत 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 स्वागत आपका, आइए। बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों का हमारे इस मंच पर। नीरू जी, ये जो सरपंच बनने का सपना था, ये इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए, जब मैं शादी करके आई गांव में तो मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे गांव के अंदर। बेसिक नीड्स के लिए महिलाओं को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था,
एक हमारे राजस्थान में घूंघट की भी प्रथा है जी जी, तो औरतें अपनी बातें बोल ही नहीं पाती थी, वो सर पे पानी वो भर रही हैं या फिर इस टाइप की। तो मेरे मन में ये आया कि मैं गांव में जब मैं रह रही हूँ तो क्यों ना अपने गांव के लिए कुछ मैं अच्छा करूँ। इसके ये मोटिव लेके मैंने सरपंच के चुनाव में कूद गई। मैं अपने दर्शकों को और यहाँ की जनता को बताना चाहता हूँ कि छवि जी जो हैं ये पहली सरपंच है जिन्होंने MBA किया है। सबसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में आपने शिक्षा प्राप्त की है और अचानक आपको लगा कि यहाँ आ जाना चाहिए गांव में, कैसे हुआ? जी से एक्चुअली ख्याल मेरा नहीं था, मैं इसका क्रेडिट देती हूँ 73rd 74th अमेंडमेंट को, जिसकी वजह से महिला को इस पद के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए एक मौका मिला। और निर्णय ये एक्चुअली ग्रामवासियों का था और मुझे ये लगा कि अगर मैं गांव की बेटी होते हुए मदद नहीं करूं तो कैसे उम्मीद कर सकती हूं कि बाहर से कोई आए। तो जब तक हमारे 65% पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरिया, सो इफ यू वांट टू सी द कंट्री चेंज आवर विलेजेस नीड टू प्रोग्रेस एंड दैट्स व्हाट आई एस्पायर टू डू। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि गांव जितने भी हैं बहुत ही पिछड़े हुए हैं, बहुत सी सुविधाएं जो हैं वहाँ प्राप्त नहीं है। एक गांव में हम गए एक बार और पिछड़ा हुआ गांव था एकदम, और बीच में एक छोटा सा चबूतरा था, उस पर फूल पौधे अगरबत्ती लगा करके लगा रहता था, दिया जलता था वहाँ। और हमने तो पूछा, भैया ये क्या है, यहाँ किसकी पूजा होती है? उन्होंने कहा ऊपर देखिए इसकी पूजा होती है। तो हमने ऊपर देखा, एक बिजली का बल्ब। कहें हुजूर ये जब रात को जलता है ना तो हम लोग इसके नीचे बैठ के पढ़ते हैं, और हम लोग घर आते हैं और तड़ातड़ बटन ऑन कर देते हैं और पूरा घर जो है सब जल जाता है। पर उनकी सोचे तो आप लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं गांव में बहुत ही सराहनीय, बहुत बहुत बधाई आप सबको। ओके छवि जी, आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं? मेरी माँ दाता मैं मेरे पिताजी को कहती हूँ। जी जी, प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके कंपेनियन के रूप में मैं मेरे हस्बैंड को साथ लेके आई हूँ। जी जी हाँ, प्रणाम प्रणाम कर आपको, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। और एक चीज़ और है, नीरू जी के साथ झुंझुनू गाँव की पूरी हॉकी टीम यहाँ पर आई हुई है। बिल्कुल, वो सब बैठी हुई है जितनी वहाँ पर पीछे, तो तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओके, खेल के जो नियम हैं वो तो आपको पता ही है, उनका हम दोहराएंगे नहीं। खेलों जो तीन लाइफलाइन हैं उनकी ओर आपका हम ध्यान लाएंगे। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी लाइफलाइन थोड़ी सी पेचीदा है, ये है डबल डिप। एक ही प्रश्न के दो बार आपको अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ऑलराइट, तो आप दोनों के साथ हम ये कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं कि नहीं? हमें चुनाव लड़ते समय नर्वसनेस हमें नहीं हुई, लेकिन आज सदी के महानायक के सामने बैठ के और इस हॉट सीट। और इस हॉट सीट पर खेलते हुए थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। अरे जितने भी खिताब है ना ये सब बने बनाए हुए हैं। ओके, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और जब मेरे पोता पोती ये एपिसोड देखेंगे तो मेरे लिए मतलब ये बहुत ही एक अचीवमेंट मैं इसको मानती हूँ अपने लिए कि आज आपके सामने आपके साथ ही मंच साझा मैं कर रही हूँ। हे भगवान, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। सब चीजें भूल जाइए, पोता पोती सबको भूल जाइए और ध्यान दीजिए यहाँ खेल की ओर। ओके, ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। एक और चीज बता दे, एक यहाँ पर बहुत ही भयंकर किस्म का हूटर बजता है। okay. हूटर, तो जब तक वो नहीं बजेगा तब तक हम लोग खेलते रहेंगे, एक बार वो बज गया तो खेल समाप्त, खेल खत्म, पैसा हजार। ओके नीरू जी छवि जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से राजस्थान के किस स्थान की प्रकृति अफ्रीका के सहारा जैसी ही है? विच ऑफ दीज फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान
is of the same kind as the Sahara in Africa. Option suniye: A. Thar, B. Aravali, C. Pushkar, ya D. Luni. Thar, Aravali, Pushkar, Luni. Thar. Thar ye? क्योंकि अरावली तो पर्वत श्रृंखला है और उस वक्त तस्वीर के पास तो वो तो कहीं थार है. लो कर दे. हाँ जी. ऑप्शन ए थार. क्या कर दी थी? लो कर दी. ए थार पे ताला लगा दिया जाए. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने. 1000 रुपए जीत गई हैं. ओके, आगे चलते हैं. दूसरा प्रश्न. 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. इनमें से किस जानवर के खुर नहीं होते हैं? Which of these animals does not have hooves? ऑप्शन सुनिए. ए हॉर्स, बी काउ, सी डियर, डी वुल्फ. घोड़ा, गाय, हिरण या भेड़िया? शोर गाय के होते हैं, घोड़े के भी होते हैं, हिरण के भी होते हैं. जी भेड़िया. ऑप्शन डी भेड़िया. क्या करें? लॉक कर दीजिए. डी भेड़िया पे ताला लगा दिया जाए. ये भी बिल्कुल सही जवाब है. 2000 जीत गए. खुर जो है पैरों को बचाने के लिए एक हार्ड केसिंग की तरह होता है जो कि घोड़े, गाय और हिरण के पैरों पर होते हैं. वहीं पर भेड़िया जो है वो अपने पैरों की उंगलियों पर चलता है, उसके वो हार्ड केसिंग नहीं होती. ओके, एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे कि आज जितनी भी आप धनराशि जीतिएगा वो किसी एक नेक काज में जाने वाली है. तो आप नीरू जी, आप बताएंगे किसके लिए वो डोनेट होगा? वो आदित्य फाउंडेशन के लिए. आदित्य क्या करते हैं फाउंडेशन? ये फाउंडेशन बच्चियों की शिक्षा के लिए करती है. अच्छा. एनवायरनमेंट के लिए करती है, एजुकेशन वगैरह के लिए करती है. सर जी, आपके जो फाउंडेशन है वो? सर ये है न्यू एमिनेंट इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा समिति. इसके तहत एक बालिका कॉलेज चलता है जो हमारे गांव में ही है. और हमने जब इसे लिया था गिनती की शायद 60 बच्चियाँ होंगी. आज की तारीख में 550 से ऊपर बच्चियाँ हैं जो टीचर ट्रेनिंग के लिए आती हैं. तीसरा प्रश्न आ रहा है. 3000 रुपए रेडी नीरू जी, छवि जी. तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. इनमें से किस आकृति की परिधि मापने के लिए आप एक भुजा की लंबाई को 4 से गुणा करेंगे? टू कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ विच ऑफ दीज शेप्स वुड यू मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ वन साइड बाय 4. ऑप्शन ए ट्राइंगल, बी स्क्वायर, सी पेंटागन, डी सर्कल. ए त्रिकोण, बी वर्ग, सी पंचकोण या डी वृत्त. ऑप्शन बी स्क्वायर. लगा दें ताला? ताला लगा दें. बी स्क्वायर पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया. पैरामीटर जो है वो किसी आकृति के साइड्स की कुल लंबाई होती है. एक स्क्वायर के सभी साइड जो है वो बराबर होते हैं. ऑलराइट, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर. 5000 रुपए इसका मूल्य है. चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. इनमें से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया है? Which of these sports persons has not played in the Olympics? Options: A. मीराबाई चानू, B. साक्षी मलिक, C. राहुल द्रविड़, या D. लिएंडर पेस. I think राहुल. मीराबाई चानू है, साक्षी मलिक भी है, लिएंडर पेस भी है. ऑप्शन सी राहुल द्रविड़. बोलना पड़ेगा आपको देवी जी. ताला लगाए कि ना लगाए? राहुल द्रविड़ को लॉक कर दीजिए. अच्छा, सी राहुल द्रविड़ कह रहे हैं, ताला लगा जाए. यस, इट्स द राइट आंसर. होगा ओके. तो नीरू जी, जितनी महिलाएं थी कुछ तो हमने देखा था वीडियो में, उनका क्या रिएक्शन था आपको देख करके? देखिए, आप जब ग्रामीण भारत की बात करते हैं हम, तो सरपंच जब वो टाइटल सुनते हैं ना, सरपंच कि मतलब कोई हट्टा कट्टा पुरुष कोई आपके सामने आएगा और वो सरपंचाई करेगा जी. तो वो वाली चीज एक थी. लेकिन मैंने उस चीज को खत्म किया अपने क्षेत्र के अंदर, अपनी जो ब्लॉक लेवल है और जो आसपास जितनी भी पंचायतें हैं वहां पे. मेरे ब्लॉक में 25 पंचायतें हैं महिला सरपंच. हालांकि वहां पे 14 महिला सरपंच हैं, लेकिन मैं एकमात्र महिला सरपंच हूँ जो खुद अपना काम संभालती हूँ. जाती हूँ मीटिंग्स वगैरह में, मैं खुद जाती हूँ और सब काम मैं खुद करती हूँ.
आसान नहीं था मेरे लिए एज ए महिला सरपंच काम करना, क्योंकि गांव के अंदर कहीं ना कहीं ये था कि गांव के जो बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे वो गांव के बड़े बुजुर्गों के द्वारा लिए जाते थे, तो उनके लिए ये चीज को एक मानना बड़ा मुश्किल था कि जिसकी शादी को अभी 8-9 साल जब हुए हैं और वो आज हमारे बीच में आके और उस फैसले को बोल रही है, और मैं मेरी पंचायत के अंदर बिल्कुल भी लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो किसी भी प्रकार का उनके साथ अत्याचार या मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती, मतलब मेरे को बर्दाश्त नहीं होता ये, मैं उनके पक्ष में हमेशा खड़ी रहती हूँ। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी एक मूवी आई थी गंगूबाई, तो उसमें एक डायलॉग था कि जब शक्ति संपत्ति और सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर। वाह अभी हमारा जो चंद्रयान जो हमने लॉन्च किया है भारत में, तो उसमें जो एक टीम थी जी जी वो भी एक महिलाओं की थी, तो महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करने की आवश्यकता नहीं है, जब हम घर संभाल सकती हैं तो हम पंचायत तो बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। क्या बात है। स्ट्रक्चर क्या था पंचायत का जब आप कहीं? नीरू जी जो कह रही हैं, ज्यादातर हम देखेंगे तो पुरुष प्रथा अभी भी है, पुरुष प्रधान अक्सर उनके बारे में सुनने को मिलता है, और कहीं ना कहीं अभी भी जरूरत है वो बदलाव लेके आने की, लेकिन महिलाएं आगे आ रही हैं, कई फैमिलीज हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, जैसे नीरू जी की बात कर लें मेरी बात कर लें तो चीजें बदल रही है। पर 2010 में सर मैं जब सरपंच बनी थी पहली बार, मैंने दो टर्म्स किए हैं, मैंने फर्स्ट डे पे ही अनाउंस कर दिया था कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हमारे पंचायत में होगी, ग्रामवासियों को बोला कि जो फंड्स आते हैं वो गांव के लिए हैं मेरे लिए नहीं है, तो चाहे मैं ऑफिस में हूँ या ना हूँ आपका पूरा हक है जानकारी लेने के लिए कि आप आए और पूछेगा कि कितने फंड्स हैं, और जिससे कि हम जो भी निर्णय लें एक साथ मिलकर हम गाँव के लिए लेंगे। तो घर में हमने ये देखा कि कई महिलाएं हैं जो अपने घर के पुरुष के सामने भी अपनी समस्या नहीं बोल पाती थी, तो जब उन्हें दिखता है कि एक महिला लीडरशिप रोल में आ रही है तो वो संकोच कहीं ना कहीं दूर हो जाता है, उन्हें लगता है वी हैव समवन हु विल बी लिसनिंग टू आवर वॉइस, तो उससे वो बदलाव आता है। पहले जो महिलाएं या युवा पीढ़ी भी ग्राम सभा में या पंचायत में नहीं आते थे उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है और वो फिर खुल के पार्टिसिपेट करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। वो सोच जो है उसको बदलना पड़ेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। पर वो मुश्किल नहीं है सर, और जी बड़े खेद की बात है कब सुनने को मिलता है कि एक महिला के लिए हर महीने उसके लिए उसको अशुद्ध बोल देते हैं जब उसके पीरियड्स आते हैं और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, और वो बेचारी जो है वो जंगलों में पड़ी रहती है जब तक कि उसका वो पूरा नहीं हो जाता। जी। अब बहुत सी ऐसी छोटी बच्चियां हैं जो कि कॉलेज में पढ़ रही हैं और जा करके उन्होंने तय किया है कि ऐसे गांव में जा करके एक कुटिया बनाएंगी उनके लिए जहां पर सारी सुविधाएं होंगी, ताकि जब ये हर मास में इनके साथ जो होता है वो आकर के यहाँ रह सके। और कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि हमारी पोती जो है वो भी ये काम कर रही है सर, वो जा करके, हाँ जी नविया उनका नाम है, जी एक पूरी संस्था उन्होंने चलाई हुई है और हर गांव में जा करके वो देखती हैं क्या उनकी अवस्था है, और उसका ये आइडिया था कि जा करके एक अलग एक छुटिया बना देनी चाहिए उनके लिए। और तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह आपकी बातें वो सुन करके बहुत से लोग जो हैं गाँव के जो हैं लोग उनका विचार बदले। ऑलराइट, खेल को आगे बढ़ाते हैं, आ रहा है छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक आपको हम चित्र दिखाएंगे और उसी के आधार पर ये प्रश्न आया है। इस चित्र में किस शहर को उसका नाम मिलने का कारण दिखाया गया है? द स्टोरी बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ विच सिटी इज शोन हियर। Can we see the image, please? Upper line mein likha, in fact, years later, on January the 2nd, 1919, when Viceroy Lord Chelmsford came to visit the plant, dash,
मिस्टर दोराब टाटा वो बोल रहे हैं, आई सिंसियरली एडमायर योर फादर्स एंटरप्राइज इन हिज ऑनर, साक्षी विल हेंसफोर्थ बी नोन एज डैश. और वो बोल रहे हैं थैंक यू सर. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए गांधीनगर, बी मैक्लॉयडगंज, सी विलिंगडन, डी जमशेदपुर. जमशेदपुर श्योर हो बिल्कुल, क्योंकि फैमिली नेम है ना. तो जमशेदपुर मेरे हिसाब से. ऑप्शन डी जमशेदपुर. क्या करें? लॉक कर दिया जाए. लॉक कर दिया जाए, डी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. जमशेदपुर शहर का नाम 1919 में रखा गया, 1919 में. लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने यह नाम जमशेद जी नुसरवान जी टाटा के नाम पर रखा था. तब से यह शहर बसा और अब देखिए कितना प्रबल शहर हो गया है. यहाँ पर कितने प्लांट्स लग गए हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के. देव सज्जनों, ये जो चित्र आपने देखा ये अमर चित्र कथा के सज्जन से प्राप्त हुआ है. हमारा आभार हम प्रकट करते हैं उनके लिए. ऑल राइट नीरू जी, छवि जी, आगे चलते हैं. सातवां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 40,000. सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. स्वर्ग जाने पर इंद्रदेव द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद किसे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच रहना पड़ा था? Who was made to stay in between earth and heaven since his ascent to heaven was refused by Lord Indra? Option suniye. A. Trishanku, B. Ravan, C. Sugriv, D. Lord Kuber. A. Trishanku, B. Ravan, C. Sugriv, D. Bhagwan Kuber. Kuber, I think. I'm not sure. Kuber. कष्ट हो रहा हो तो तीन लाइफलाइन है आपके पास, उनका उपयोग किया जा सकता है. मेरे ख्याल से त्रिशंकु या कुबेर, मुझे कुबेर लग रहा है. मैं श्योर नहीं, तो आपका कौन सा लग रहा है? ए एंड डी के बीच में कुबेर, मेरे को कुबेर लग रहा है. लाइफलाइन ले लाइफलाइन ऑडियंस को, ऑडियंस को लाइफलाइन. लाइफलाइन शांत हो जाइए, तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस बोल. ऑल राइट, इसको अंकित कर दिया जाए. कंप्यूटर जी, ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब. फिफ्टी 54% मिला है ए त्रिशंकु. क्या कीजिएगा? ऑडियंस के साथ, ऑडियंस के साथ जाएंगे. ए पे ताला लगाया जाए. धन्यवाद दे दीजिए इनको. 40,000 रुपए जितवा दिए उन्होंने. त्रिशंकु एक राजा थे और जिन्होंने विश्वामित्र के तप से स्वर्ग की ओर आरोहण किया था. चूंकि उनको इंद्रदेव ने अस्वीकार कर दिया, इसलिए विश्वामित्र ने उनको वापस गिरने से बचाने के लिए एक स्वर्ग बनाया. अब आपके सामने आएगा आठवां प्रश्न. दो लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं. आठवां प्रश्न दे सकता है आपको 80,000 रुपए. रेडी? आठवां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये एक इमेज प्रश्न. जुलाई 2023 तक के संदर्भ में इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? एज ऑफ जुलाई 2023, हु अमंग दीज इज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? ये है तस्वीर. ऑप्शन जो है वो इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी. आई थिंक डी, ऑप्शन डी है ना? ऑप्शन डी है. कंफर्म? हाँ, ऑप्शन डी है. श्योर.
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जी, इमेज ऑप्शन डी। क्या करें? लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। ये श्री हरदीप सिंह पुरी हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर। अन्य तीनों मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश, श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, और श्री सिद्धरमैया कर्नाटक। अभी अभी उनको वो हुआ। ऑलराइट, हमारी जो जनता है यहाँ से, हम एक प्रश्न पूछना है हमें आपसे कि जब आप एक नाम सुनते हैं जैसे कि बैंक, तो आपके मन में क्या आता है? बैंक नाम सुनकर पैसा आता है सर दिमाग में? पैसा जी मैडम, आप सर सेविंग्स। सेविंग्स जी। एक भाई साहब पीछे भी हैं, वो बोलना चाह रहे हैं। सर ब्याज। ब्याज। मैं आप सबको, हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि नीरू जी ने बहुत ही अनोखा बैंक खोला हुआ है जिसका नाम है बर्तन बैंक। अब नीरू जी आप बताइए, ये बर्तन बैंक क्या होता है? गाँव के अंदर शादी वगैरह प्रोग्राम्स जो होते हैं उसके अंदर प्लास्टिक के जो की प्लेट्स हैं, ग्लास हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एक बार मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं जब पंचायत ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में मैंने एक गाय, गौ माता जो हमारी होती हैं, उनको मैंने देखा तड़पते हुए। तो हमने फिर एक वेटनरी डॉक्टर को उस समय बुलाया गाँव वालों ने, और जब उनको उनको ऑपरेट किया उनको गौ माता को, तो उसके अंदर से इतने निकला। हाँ, प्लास्टिक निकला, बहुत ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक निकला। तो ये बात मेरे मन के अंदर आई कि क्या पहले शादियां नहीं होती थी? पहले भी होती थी, लेकिन हम भौतिकतावाद की तरफ इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं कि हम प्लास्टिक का यूज इतना ज्यादा मात्रा के अंदर कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब ये वाक्य मेरे साथ हुआ तो मैंने अपने गाँव के अंदर फिर इस बात को लेकर मीटिंग की, तो जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं और जो महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि हमारी परंपरा क्या थी कि हमारे गांव में खुद के इतने बर्तन होते थे, बड़े बड़े स्टॉक होता था। जब शादियां होती थी तो हम इकट्ठा करते थे, लेके आते थे। बारात आती थी तो हम खाट लेके आते थे, इकट्ठा करते थे, और उनकी एक जिम्मेदारी भी होती थी। तो उस टाइम फिर मेरे दिमाग के अंदर ही आया कि क्यों ना हम अपनी पंचायत के अंदर एक बर्तन बैंक की स्थापना करें। ये देखिए एक तस्वीर, हमने स्टील के बर्तन हमने रखे हैं, कम से कम 5-7 हजार बर्तन हमारे पास है स्टील के। अच्छा, अच्छा। वो हम जहाँ भी जिस फैमिली में फंक्शन होता है स्पेशल वहाँ जाके हम बात करते हैं कि आप प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करोगे, और एक बहुत अच्छा भी लगता है आप स्टील के बर्तन में अगर खाना परोस रहे हो और खा रहे हो जी, जी, जी। तो और फिर बचत तो डेफिनेटली इसके अंदर होती ही है, क्योंकि हम जितना प्लास्टिक हो फिर वो अंधाधुंध यूज ही होता चला जाता है। तो एनवायरमेंट को देख के फिर ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग के अंदर आया कि क्यों ना अपनी पंचायत में। और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि हर पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर ये बर्तन बैंक होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे चलते हैं खेल में। नीरू जी, छवि जी, जी आप कुछ कहना चाह रही थी और कुछ? मैं ये कहना चाह रही थी कि आपके सामने खेलते हुए तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसके साथ साथ मुझे छवि दीदी के साथ भी मंच साझा करने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने एज ए वीमेन सरपंच यूएनओ के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया जी, जी। तो मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड महसूस कर रही हूँ कि आज मैं इनके साथ इस हॉस्टिंग के लिए। बहुत अच्छा हुआ आपने ये बात छेड़ दी, क्योंकि हमारे पास एक वीडियो है जो हम दिखाना चाहेंगे, क्या क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा इनका। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा मेन उद्देश्य ये था कि अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग मिलके अगर हम काम करें, भले ही एक गांव से ही हम शुरू करें, तो क्यों नहीं वो बदलाव आ सकता है और वो जल्दी आ सकता है। जो छवि राजावत जी, जब से सरपंच बने हैं एक ऐसी कोई आपको सिंगल बच्ची नहीं मिलेगी, बच्चा नहीं मिलेगा जो कि एनरोल्ड नहीं है। 2016 में मात्र 28 का नामांकन था, आज की तारीख में 130-135 का नामांकन। एजुकेशन मैं सिर्फ स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं रखूंगी, शिक्षा जो हमें अपने घर में मिलती है वो भी शिक्षा का एक पहलू है, और जरूरी है कि उसमें हर व्यक्ति भाग ले और भागीदारी दे।
लेडीजों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है शौचालय के लिए, इसकी व्यवस्था भी उन्होंने करवाई है गांव-गांव में, शौचालय बनवा के हर घर में। सभी जी ईमानदारी और लगन के साथ काम करते हैं पंचायत का। इनको जो तनख्वाह मिलती थी ना, ये पंचायत के विकास में लगा देते, खर्चे में नहीं लेते थे। बैंक खुलवा दिए हमारे गाँव में सभी भाई साहब, जो आज इन पानी भरे हुए पूरा गांव पानी पी रहे वहाँ की मेहरबानी से। और हमारे फार्म पौंड हो गया 10 फुट तो ऊंडा और 100 फुट चौड़ा, जिससे हमारे 20 बोरी सरसों की होती थी ना, आज मेरे घर में 300 बोरी सरसों की पैदा होती है। वह बाईसा की देना हमारी सभी बाईसा की। गांव के लिए इतना किया, जहाँ मतलब सगड़े रास्ते थे उनको भी इन्होंने अच्छे रास्ते बनवाए। तो हमारी बाईसा को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। अशियान को सरपंच दो, पूरा संसार में होना चाहिए जिसका। यही सपना है कि लोग जुड़ के काम करें अपने देश में विकास लेके आने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत आसानी से हो सकता है, बस ज़रूरत है तो सिर्फ वो कोलैबोरेशन की, वो सोच की और एक विजन की। छवि जी, जो भी आपने काम किया और जिस तरह से लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, ये स्वाभाविक है कि थोड़ा सा भावुक हो जाना। और हम समझ सकते हैं कि जब कोई भी आप काम करें और उस वो एक नेक काम हो और लोग उसकी प्रशंसा कर पाएं, लोगों में भलाई हो, तो ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात होती है। और जो लोग काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके लिए भावुक होना बहुत ही स्वाभाविक। ऑलराइट, आपको क्या लगता है कि जो सबसे मुश्किल काम था वो क्या था? सबसे मुश्किल उस समय जो हमारे लिए समस्या थी वो ये थी कि किसी भी क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। और इश्यूज हमारे मेनली, और शायद सिर्फ मेरी पंचायत नहीं, दूसरे पंचायतों में भी शायद यही इश्यूज होंगे कि सबसे ज़्यादा समस्या गंभीर जो हमें लगती है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। यस, सरकार के पास काफ़ी स्कीम्स हैं, जो फार्म पॉन्ड की बात हुई, इवेंचुअली हम उन्हें गाँववासियों के सामने हम लेके आए और उनको जागरूक किया और वो फंडिंग हम लेके आए, बट इनिशियली बहुत ही मुश्किल था। हमें पानी उपलब्ध कराने के लिए हमारे सारे तालाब जो हमारी लाइफलाइन थी वो सब सूखे पड़े हुए थे। हम चाहते थे कि अगले मानसून से पहले पहले हम हमारे तालाब की खुदाई करें, जिससे उस साल के लिए तो हमारे पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध हो जाए। तो वो हमारे लिए प्राथमिकता थी। तो मुझे फंडिंग कहीं से नहीं मिली, ना तो गवर्नमेंट से और ना ही हमारे प्राइवेट सेक्टर से मिली, क्योंकि वो दूर थे। तो ऐसे में शायद वही एक पल था जहां मैं थोड़ी सी निराश हुई थी, टू बी ऑनेस्ट। और अगर मेरा सपोर्ट, जो मेरे पेरेंट्स हैं जो यहाँ पे हैं, अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता, और जिनकी स्टोरीज मैंने सुनी हैं, पढ़ी हैं जिनके बारे में, चाहे मिस्टर कलाम हो, बोल्ट हो, you know, many, many such individuals like that. तो उसमें यही लगता है कि संघर्ष करना होता है, लेकिन आखिर में ईश्वर उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए पहल करता है। तो मेरे पेरेंट्स ने, फादर ने ये बोला कि जो भी हमारे पास जमीन है हम उसे बेच देंगे, आप निराश मत हो, बट स्टे फोकस्ड, आपका जो सपना है वो आप पूरा करें और हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जब मेरे फादर ने बोला और मेरा हौसला बढ़ाया, तो 4 दिन में आप मानेंगे नहीं, मैंने 20 लाख रुपए इकट्ठे किए मेरे फादर और उनके दोस्तों के सहयोग से। तो ऐसे करके हमने चीजें इकट्ठी की, लेकिन ये तो एक प्रोजेक्ट था, एक उदाहरण है। और आप मानेंगे नहीं, राजस्थान में आज की तारीख में भी, मैं जब इलेक्ट हुई थी तो सरपंच का जो मानदेय है वो बहुत कम था। सो आप खुद सोचिए कि ऐसे परिवार जिनके पास रोजी रोटी नहीं है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अपना समय जो डेवलपमेंट या विकास लाने के लिए ज़रूरत है वो कैसे लेके आए? क्योंकि सेक्रेटरी का सैलरी 40,000 से 70,000 प्रतिमाह से ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर उसके साथ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एजुकेटेड नहीं हो, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, और फिर जेंडर और कास्ट भी काफ़ी रोल प्ले करता है, तो वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप कि वो बदलाव हम देख सकें, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, गांव में विकास नहीं होगा, हमारा देश नहीं बदलेगा।
मैं उम्मीद करता हूँ छवि जी की आज का कार्यक्रम बहुत से लोग जो देख रहे होंगे, जो भी समस्याएं हैं वो उसके प्रति जागरूक होंगे। असली जो स्थिति है गांव की वो किसी को पता नहीं है। हम लोग शहरों में रहते हैं और पता नहीं होता है, जब तक वहां नहीं जा करके देखेंगे व्यक्तिगत रूप से तब जा करके। ओके ऑलराइट, ऑल द बेस्ट टू यू वंस मोर छवि जी एंड गुरु जी। आप दोनों आ गया है नवा प्रश्न और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपये। और हम जानते हैं कि आज की जितनी भी जीती हुई धनराशि है वो बहुत ही नेक काज में उसको डाला जाएगा। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किस संगीतकार ने भगवान कृष्ण और उनके द्वारा बजाए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र के सम्मान में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की थी? Which musician set up the Vrindavan Gurukul in order to honor Lord Krishna and the musical instrument he plays? Flute. Bansuri. Option suniye. A. Pandit Ravi Shankar. B. Pandit Hari Prasad Chaurasia. C. Pandit Shiv Kumar Sharma. Ya D. Ustad Bismillah Khan. सर सबको एक साथ रख दिया तो अब कंफ्यूजन हो रही है। बिस्मिल्लाह खान बांसुरी वादक से बोल रहे। लाइफलाइन जी, दो लाइफलाइन बची हुई हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप, क्या कीजिएगा? हाँ जी, क्या करें, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप? वीडियो कॉल अ फ्रेंड ठीक है। आपके वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेंगे? हाँ जी। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड अंकित कर दिया जाए इसको। दोनों में से कौन बेटर है? तीन नाम दिए हुए थे, किसको कभी? ललित कुमार, विवेक बंसल, हर्षवर्धन सिंह। ललित या विवेक? ललित करते हैं सर। ललित, ललित, ललित कुमार जी को। ऑलराइट, ललित कुमार जी को फोन लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है ललित कुमार जी? ललित कुमार जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार सर। नमस्कार ललित कुमार जी, मेरे सामने नीरू यादव जी हैं और छवि राजाभट जी हैं और हमारा ये विशेष कार्यक्रम है और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। एक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है इन्होंने, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो ये आप पढ़ेंगी नीरू जी? हाँ। तो नीरू जी की आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके चार विकल्प हैं ए बी सी डी और आपको उत्तर बताना होगा 45 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है? यस सर। ओके जी सर। नीरू जी आपका समय शुरू होता है अब। भाई साहब, किस संगीतकार ने कृष्ण और उनके द्वारा बजाए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र के सम्मान में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की थी? ऑप्शन है पंडित रविशंकर, सेकंड ऑप्शन है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, सी है पंडित शिव कुमार शर्मा या डी उस्ताद बिस्मिल्ला खान। वृंदावन गुरुकुल की स्थापना किसने की थी? जी भगवान कृष्ण और उनके द्वारा बजाए जाने वाले। पंडित रविशंकर, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी। से एक तो संतूर के हैं, कंफ्यूजन तो हो रहा है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के उस्ताद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया भी भगवान कृष्ण की तरह एक बांसुरी वादक, इसलिए
उनके संगीत विद्यालय का नाम ऐसा रखा गया था। हर साल जन्माष्टमी पर वो और उनके शिष्य भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार 24 घंटे बांसुरी वादन वहां करते हैं। ऑलराइट नीरू जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी एक टीम थी जो कि गई थी आपके गांव और उन्होंने एक वीडियो बनाया था। हम चाहते हैं कि सब उस वीडियो को देखें। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। लड़कियाँ बहुत गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती हैं। हमारे पंचायत की बच्चियाँ हैं वो ग्राउंड में कभी खेलती ही नहीं थी कोई भी, तो बच्चियों से बात की सभी से और फिर उनको तैयार किया कि तुम ग्राउंड के ऊपर आओ। अपना 2 साल का वेतन उन्होंने हमारे ऊपर खर्च किया है, जिसमें हमारे लिए हॉकी से रिलेटेड जो भी सामान है ना वो ला के दिया उन्होंने। आप हम ये सोचते हैं कि प्रतिभाएं शहरों में पैदा होती हैं, नहीं, प्रतिभाएं गांव में भरी पड़ी हैं। नीरू जी को ओके वाले सरपंच भी कहा जाता है। अगर ओके नहीं होती तो कुछ नहीं, बस वही गांव के बर्तन बारी झाड़ू पोछा और शादी। पड़ोसी तो जाने हो कि शोक से बहका उसे, तेरी बेटी है तू क्यों खंदासा। जब मुख सरपंच से जब मेरा से तो ज्यादा रहती होगी आगे, जब मुठी जब या खिला दी मैं। आज मेरी पंचायत में फील्ड के ऊपर लड़कों से ज्यादा लड़कियां खेलती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। माँ अपनी बेटी को फुल सपोर्ट करती है ना, उससे भी बढ़ के उन्होंने हमें मतलब फुल सपोर्ट किया है। मेरा सपना तो ये है कि मेरी हॉकी की जितनी भी लड़कियां खेलती हैं वो सब नेशनल खेलें और अपने गांव का नाम रोशन करें और साथ ही साथ मेरी पंचायत ही बाकी लड़कियों के लिए भी इंस्पिरेशन का काम करें। बहुत कुछ तो आपने कह दिया कि किस तरह से आपने प्रोत्साहित किया बच्चियों को, हॉकी टीम बने और आज यहाँ पर आपकी हॉकी टीम के जितने भी सदस्य सब आए हुए हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। आप अगर कुछ बोलना चाहें आप में से कोई। नमस्ते सर। नमस्ते। जब मैं 8th क्लास में थी तो हमने हॉकी खेलना स्टार्ट किया था, उसके बाद हमारा 2 साल का गैप हो गया था, तो नीरू आंटी को पता चला कि कुछ लड़कियां मतलब स्टेट खेल के आई हैं, तो नीरू आंटी ने फिर हमारे घर वालों से बात की कि आपकी लड़कियां तो मतलब बहुत आगे जा सकती है अगर ये खेलेंगी तो। उनके घर वालों ने थोड़ा नाट दिया था कि भाई क्या करेंगी खेल के, ये तो यही झाड़ू पोछा यही करेंगी। तो फिर नीरू आंटी ने बात की कि भाई आप है ना मेरे विश्वास के ऊपर इन लड़कियों को खेलने के लिए भेजो, और आज हम शायद इनकी वजह से यहाँ हैं सर। इसी तरह प्रेरित होकर के और बहुत ही बच्चियां जो हैं वो खेलना शुरू करेंगी, और नीरू जी आपने जो ये शुरुआत की है ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई। क्यों लगा आपको कि आपको हॉकी टीम ही बनानी चाहिए? देखिए मैंने बताया वीडियो में कि हरियाणा की छोरी हूँ, तो हरियाणा का तो खून खून के अंदर ही जो जी, है जी, खेल है हाँ। स्पोर्ट्स है, तो जब गांव के अंदर थी यहाँ पे पंचायत में तो मैंने देखा कि लड़कियां जो खेलों के प्रति है नहीं इंटरेस्ट, पेरेंट्स भी नहीं लेते और लड़के फील्ड के अंदर ज्यादातर लड़कियां तो आती ही नहीं है, और फिर पेरेंट्स का भी ये रहता है कि घर के काम करे और ये सब करे। फिर मेरी पंचायत से 4-5 लड़कियां ऐसी थी जो स्कूल में हॉकी खेली हुई थी, लेकिन क्योंकि सुविधाएं नहीं थी, सपोर्ट नहीं था स्कूल में, चलो पढ़ते थे तब थोड़ा उनको खिला दिया तो, और उसके बाद वो घर बैठ गई थी। तो ऐसी प्रतिभाएं जो हैं वो घर पर नहीं रहनी चाहिए। जब मेरे को इस चीज का पता लगा तो मैं उन सब बच्चियों से मिली, हमने डिसाइड किया कि हम अच्छी अपनी पंचायत की टीम बनाएंगे। मैंने बाकी लड़कियों को भी इस चीज के लिए इंस्पायर किया, उन लड़कियों को मैं लेके आई। फिर सबसे बड़ी हमारे सामने अभी छवि दीदी ने बताया कि बजट की बहुत समस्या आती है एक सरपंच के पास में, तो जो मेरा 2 साल का मानदेय था वो मानदेय मैंने इनके लिए इनको समर्पित कर दिया। पूरी जो सुविधाएं हॉकी स्टिक से लेके गोलची किट लेके वो सब मैंने अवेलेबल बच्चियों को करवाया। फिर दूसरा ग्राउंड का आया, अब इतना फंड हमारे पास था नहीं, ग्राउंड गांव के अंदर था नहीं, मेरे पंचायत से 10 किलोमीटर पड़ता है वहाँ एक हॉकी का ग्राउंड है। चुनाव जीतने के बाद मेरी बेटी, नेक्स्ट डे मुझे बेटी हुई थी, 2 साल की मेरी बेटी है, उसको साथ लेके मैं इनको दोनों टाइम वहाँ प्रैक्टिस करवाने के लिए लेके जाती।
और मैंने इनके लिए कोच रखा ताकि इनको लाइफ में एक मोटिव मिले, इनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो। आज कुछ इस प्रकार का मेरी पंचायत के अंदर ये है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां जो है वो खेल के प्रति अपनी जागरूकता को दिखा रही हैं और खेल भी रही हैं। इनके पेरेंट्स ने भी मुझ पर ये विश्वास उनको बाद में हुआ कि सरपंच मैडम कह रही हैं और इतना अच्छा हमारी बच्चियों के लिए सोच रही हैं और आगे। तो मेरा ये सपना है कि मेरी जो हॉकी की टीम की लड़कियां हैं ये आगे जाएं, अच्छा खेलें और इनसे इंस्पायर होकर और भी पंचायत की जो बच्चियाँ हैं वो भी खेलों के प्रति जो है वो आगे जाएं। ओके, अब चलते हैं आगे। अब आ रहा है आपके सामने दसवां प्रश्न। यहाँ बिल्कुल चांस मत लीजिएगा क्योंकि मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। दसवां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर में हुई एक दुखद घटना अमूल्य मलादी की पुस्तक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की पृष्ठभूमि है? अ ट्रेजिक इंसिडेंट इन विच सिटी फॉर्म्स द बैकड्रॉप of the book A Breath of Fresh Air by Amulya Maladi. Option suniye: A. Amritsar, B. New Delhi, C. Bhopal, D. Srinagar. Bhopal. C. Bhopal. Bhopal ko lock kar. Laga de? Yes. C pe thoda laga jaye. Bilkul sahi jawab diya aapne. Okay. हम तो चाह रहे हैं कि और भी आप जीते। बहुत बहुत बधाई आपको। अब नीरू जी और छवि जी, 11वां प्रश्न जो आएगा उससे पहले यहाँ पर एक भयंकर किस्म का आवाज, ये है एक बदलाव का बिगुल और इसका शीर्षक है सुपर संदूक। ये देखिए यहाँ बनेगा। जैसे ही इसका ढक्कन खुलता है बहुत सारे इसमें जेवरात निकलते हैं। होगा ये कि अभी 90 सेकंड के अंदर अंदर मैं 10 प्रश्न पूछूंगा और आपको उसका उत्तर देना होगा जल्दी जल्दी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपया एक्स्ट्रा। अगर आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 50,000 जीत गए तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप उसे आप बैंक में जमा कर दीजिए या उसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफ लाइन उसको वापस जीवित कर सकते हैं। और कौन खेलेगा? मैं। दीदी, छवि दीदी खेलेंगे। छवि दीदी खेलेंगे। और छवि जी आप जी। अंग्रेजी में ऑलराइट, तो लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। छवि जी, 90 सेकंड आपका समय शुरू होता है अब। An MLA is a member of which body? Lok Sabha. Vidhan Sabha. Correct. Next, which of these animals has horns? Elephant, gharial, pangolin, black buck. Kalahi. Black buck. Correct. Next, which of these names does not refer to the sun? Bhaskar, Aditya, Ravi, Dhruv. Dhruv. Correct. Next, in which state is Lok Tak Lake? Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland. Pass. Next, who created Chacha Chaudhary? अंकल पाई, सत्यजीत रे, प्राण या आर के लक्ष्मण? अंकल पाई। रॉन्ग। नेक्स्ट, 1000 इज डिपिक्टेड बाय विच रोमन न्यूमरल? ए एल, बी एक्स, सी डी या डी एम? पास। नेक्स्ट, विद विच स्पोर्ट वुड यू एसोसिएट रवि कुमार दाहिया? रेसलिंग, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग? रवि कुमार दाहिया। पास। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज रूल्ड बाय द डिक्टेटर इदी अमीन? Uganda, Libya, Zimbabwe, Zambia? Idi Amin was Zimbabwe. Wrong. Next, which of these films does not have Hrithik Roshan? Laksh, Super 30, Yaade, Dhoom 3? Yaade. Wrong. Next, Ustad Vilayat Khan is famously associated with which instrument? Tabla, Shehnai, Sitar, Ghatan. समय समाप्त हो गया। हे भगवान। अच्छा छवि जी, आपको बता दें कि 3 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया, 30,000 रुपए आप जीत गए जी। 50 पर नहीं पहुंच पाई आप।
सबसे पहले जो भी गलत उत्तर थे उनका मैं सही जवाब बता दूं। एक प्रश्न था, हु क्रिएटेड चाचा चौधरी? आपने कहा अंकल पाई, इट वॉज एक्चुअली प्राण। दूसरा था कि विच कंट्री वॉज रूल्ड बाय द डिक्टेटर इदी अमीन, बहुत ही प्रचलित बात थी। आपने कहा जिम्बाब्वे, नहीं इट इज युगांडा, लिबिया जाम्बिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गलत हुआ वो था कि विच ऑफ दीज फिल्म डज नॉट हैव ऋतिक रोशन? आपने कहा यादें, दरअसल धूम 3 में ऋतिक रोशन नहीं थे। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज लोक तक लेक? इट इज इन मणिपुर। ये क्वेश्चन आपने पास किया मत। और अगला क्वेश्चन था, 1000 इज डिपिक्टेड बाय विच रोमन न्यूमेरल? ये भी पास किया हुआ था, वो है M. M is this thing. एक और पास किया था आपने, विद विच स्पोर्ट वुड यू एसोसिएट रवि कुमार दाहिया? इट इज रेसलिंग। ऑलराइट, 30,000 रुपए आपने जीत लिए। ये 30,000 रुपए आपके बैंक में चले जाएंगे और जिस नेक काज के लिए आप लोग आज खेल रहे हैं उसमें जमा हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये जो 30,000 रुपए है ये हमारे पास एक डिजिटल ऐप है, ये देखिए, संस्था का नाम आ जाएगा, 30,000 दबा देंगे, कंफर्म करेंगे और ये 30,000 पहुंच गया आपके बैंक में, इस संस्था के बैंक में इसी वक्त पहुंच गया। ऑलराइट, हो गया है दूसरा पड़ाव पार, 3,20,000 रुपए जीत ले आपने। अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न। एक बात बता दें आपको, इस सवाल को बेफिक्र होकर के खेलिएगा क्योंकि ये जीरो रिस्क क्वेश्चन है। अगर आपका उत्तर गलत भी हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भारत की डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन ने इनमें से किस संगठन में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया है? डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन फ्रॉम इंडिया सर्व्ड एज द चीफ साइंटिस्ट इन विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस? ए सन CERN, बी रेड क्रॉस, सी हु, डी नासा। समय समय आपके पास, सी CWHO। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है, लेकिन ध्यान रहे एक बार वो लाइफलाइन ले ली तो फिर क्विट नहीं कर सकते। जी आप क्या कह रहे थे? WHO के साथ, WHO के साथ जाना चाह रहे जी। WHO सी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। 6,40,000 रुपए जीत लिए आपने। ये डॉक्टर साहब ने 2019 से लेकर के 22 तक चीफ साइंटिस्ट के रूप में सेवा दी थी। इससे पहले वो एक पीडियाट्रिशियन थे और उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस पर शोध किया था, रिसर्च किया था ट्यूबरकुलोसिस पर। वो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे और एम्स की एलुमिनस हैं। ऑलराइट, वेल प्लेड, 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 12वां प्रश्न आएगा, 12,50,000 रुपए का 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। यही था वो भयंकर आवाज कि एक बार ये बज गया तो खेल खत्म, पैसा हजम। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आज का समय इतना ही था हमारे पास, लेकिन आप दोनों से मिल करके इतना ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुआ है वो ये कि प्रोत्साहन मिला है आप दोनों से मिल के, आप दोनों को देख के जो काम आपने किया। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं बताइए? न केवल आज की यहाँ की जनता बल्कि जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं तो प्रोत्साहित किया है आपने कि वो भी जा करके इस तरह का योगदान करें। उनकी जीती हुई जो धनराशि है 6,40,000 रुपए डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपके संस्थाओं के नाम आ गए हैं, अकाउंट नंबर आ गया है और यहाँ पर हम दाब देंगे 6,40,000, 6,40,1,2,3,4, ओके दबाया, कंफर्म किया,
इसी वक्त ये पहुंच गया है आपके बैंक अकाउंट में बहुत ही जल्दी आसान और सेफ तरीके से। सोच में वो शक्ति होती है जो बंजर मिट्टी को हरियाली और खुशहाली में बदल देती है। छवि जी और नीरू जी के प्रयास और आत्मविश्वास की हम सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि देश को ऐसी कई छवि और नीरू मिले और मिलती रहें। इसी के साथ अब आपसे हम विदा लेते हैं। कल मुलाकात होगी और हमारे साथ होंगे इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके।